तो देखिए साक्षात हम लोग महादेव से रूबरू करा रहे हैं आप लोगों को, आप लोग भी यहाँ पे आइए और यहाँ पे दर्शन कीजिए। हम चाहेंगे कि यहाँ का रोड जो है बहुत परेशानी से लोग कष्ट सह रहे हैं, तो आप लोगों को रोड भी दिखा दिए हैं। चाहेंगे कि महादेव का जो स्थान है यहाँ पे आने जाने में कोई समस्या ना हो और रोड का समाधान भी किया जाएगा। हम लोग आगे चलकर बात करेंगे। पूरा ले लीजिएगा घुमाकर। जाइए जाइए ले लीजिए पूरा। तो आप इसी जगह रहते हैं पुजारी जी? तो ये जो चौतरा बनाया गया है ये तो बाद में बनाया गया होगा, तो किस चीज़ का चौतरा है? पीतल है क्या? फूल है? नहीं, ये जो बनाया गया है वो पीतल है। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं हम लोग इस जन्नत के नज़ारे में आ चुके हैं और बाबा मंगलेश्वर धाम जो कि यहाँ का चारों तरफ आप लोग देख रहे हैं कैमूर पर्वत से घिरा हुआ है। यह जितना भी आप लोग पहाड़ी देख रहे हैं सब कैमूर पर्वत से घिरा हुआ पर्वतमालाएँ हैं। हम लोग एक ऐसे स्थान पर आ चुके हैं जहाँ पे समझ लीजिए जिसको बोला जाएगा हमारा ये सोनभद्र का सोने की चिड़िया है। सोनांचल का मंगलेश्वर महादेव मंदिर सावन की हरियाली के साथ और आस्था पर्यटन की सुर्खियों में है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ यहाँ की विशेषताओं देश भर में पर्यटन के प्रेमी परिचित हो रहे हैं। पहाड़ियों के बीच से गुजरे हरियाली से भरे रास्तों के सफ़र अपना एक मज़ा ही अलग है। चिरुई मारकुंडी से मंगलेश्वर पहाड़ी की चढ़ाई शुरू होती है। यहाँ से पैदल लंबी चढ़ाई चढ़ते हुए मंगलेश्वर महादेव मंदिर तक झरनों के बीच प्रकृति का अनूठा सौंदर्य तो नज़र आएगा ही। एडवेंचर टूरिज्म के एहसास रोमांच से भर देने वाला है। मंगलेश्वर पहाड़ी की संरचना ओम शब्द के प्राकृतिक में ढली है, लिहाजा ओम पहाड़ी के रूप में लोग जानते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद दर्शन पूजन के साथ पहाड़ियों के उच्च चट्टानों और पहुँचने और सेल्फी विद नेचर का कहानी ही क्या। अब धार्मिक पर्यटन के नज़रिए से मंगलेश्वर महादेव चर्चाओं में है, साथ ही चर्चाओं के केंद्र और सोनांचल के पर्यटन विकास का असीम संभावनाएं हैं। सोनांचल के अधिकतर ऐतिहासिक स्थलों की खासियत यह है कि एडवेंचर टूरिज्म यानी साहसिक पर्यटन से भरपूर है। इनमें से मंगलेश्वर महादेव का अपना अलग ही सौंदर्य है। सोनभद्र मारकुंडी से 30 किलोमीटर का सफ़र करके ऊंचे पहाड़ी और चट्टानों से होते हुए महामंगलेश्वर धाम आप पहुँच सकते हैं। विजयगढ़ दुर्ग के रास्ते जाएं या वाराणसी शक्तिनगर मार्ग घुरमा से चिरुई मारकुंडी होते हुए पहाड़ियों के बीच से गुजरे हरियाली और रास्तों का सफ़र अपना ही मज़ा है। ये देखिए बोर्ड लगाया गया है यहाँ पे और यहाँ पे देखिए हम लोग की बाइक खड़ी है। हम लोग बहुत मेहनत से यहाँ पे अपना बाइक लेकर आए हैं और इतने कष्ट से यहाँ पर हम लोग आए हैं बाबा मंगलेश्वर धाम। तो इस पहाड़ियों और चट्टानों से होते हुए हम लोग अपने बाइक से यहाँ तक आए हैं। आप लोगों को लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो बनाया गया है एक कुटी, अगर बाय द वे श्रद्धालु लोग आएँ यहाँ पे पानी वानी अगर बरसे तो यहाँ पे रुक सकते हैं। और ले चलते हैं आप लोगों को ऐसा जगह जहाँ पे सभी लोग चाहते हैं कि हम यहाँ पे आएँ और यहाँ पे एक सेल्फी हो। इसको देखने के लिए समझ लीजिए कितने लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि इसको इस प्राकृतिक घटा को कब देखा जाए और इस पे हम लोग जाकर एक सेल्फी लिया जाए, क्योंकि यह एक सेल्फी विद एक प्राकृतिक नेचर बन गया है। यहाँ का एक सुंदर प्राकृतिक आप लोगों को चौपन नदी से आप लोगों को पूरा दिखता है, इसका एक अलग अंदाज है। यहाँ पे लोग आते हैं तो इसको ज़रूर देखते हैं और यहाँ पे अपना एक सेल्फी फ़ोटो लेते हैं।
इतनी ऊंचाइयों के चढ़ने के बाद बाबा मंगलेश्वर धाम का एक अलग ही अंदाज है। यहाँ पे आते हैं तो लोग बाबा मंगलेश्वर धाम के साथ पूजा अर्चन करते हैं और यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है पूरा देखते हैं। यहाँ पे आप लोग आएंगे तो पूरा चौपन और सोन नदी का नज़ारा भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम इस मंगलेश्वर धाम का पूरा सीन दिखा रहा हूँ आप लोगों को। और यहाँ से जो सुंदर जो पर्वत पहाड़ है आप लोगों को दिखाया हूँ, और यह कैमूर पर्वत से घिरा हुआ यह पर्वत पहाड़ी झाड़ियाँ आप लोगों को दिखाया हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? ये जो मंगलेश्वर धाम है यहाँ तक आने के लिए आप लोगों को बहुत परेशानियों कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इतने मेहनत करके यहाँ पर आए हैं, आप लोगों को दिखाने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग भी देखें और यहाँ पर आएँ। तो वीडियो आप लोगों को अगर सही लगा है दोस्तों तो आप चैनल को लाइक करिएगा और फिर सपोर्ट करिएगा, फिर ऐसा वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।